Assalamualaikum beautiful people, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर कदम पे आपके लिए खैर करें और आपके लिए आसानी का मामला फरमाएं। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड तक लाजमी देखिएगा। तो मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ने लगी थी, सुबह 6 बजे का टाइम है और अज़ान तो पहले से हो जाती है, लेकिन यह कि मैं ज़रा लेट उठती हूँ और इसके बाद तकरीबन 7 बजे तक सनराइज़ हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे यूरोप में हैं और यहाँ पे टाइम जो है ना वो चेंज हो जाता है। 3 आवर्स का डिस्टेंस हो जाता है पाकिस्तान से, आगे सितंबर में ये फिर चेंज हो जाएगा, 4 आवर्स का हो जाएगा। तो अभी क्योंकि 3 आवर्स का डिस्टेंस है तो अभी यहाँ पे तकरीबन 7 बजे जो है ना सनराइज़ हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बैठ के तस्बीह कर रही थी, इसके बाद मैं उठूँगी, थोड़ी देर कुरान पाक पढ़ूँगी और उसके बाद मेरा छोटा बेटा उठा हुआ है उसको मैं दूँगी फीडर, और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ वॉक पे, क्योंकि आज मैं आपके साथ अपनी हेल्दी रूटीन शेयर कर रही हूँ कि जो अभी मैंने ज्वाइन की है, मैंने ख़ुद भी अभी ज्वाइन की है, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी सुबह 6 बजे के बाद अभी तकरीबन 6:15 हो गए हैं, तो अब मैं निकल गई हूँ और मुझे जाना है वॉक करने। तकरीबन 10 मिनट की डिस्टेंस पे है पार्क, तो यहाँ से मैं तकरीबन फुल स्पीड पे भागती भागती जाऊँगी। अभी मुझे ना अपने शूज़ ख़रीदने हैं और काफ़ी चीज़ें जो अभी मैंने ज्वाइन करने के लिए लेनी हैं, तो अभी बस स्टार्ट किया है ताकि मेरी थोड़ी सी रूटीन बन जाए, तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर बाकी चीज़ें भी ख़रीद लेंगे। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि जो मतलब मैं ऐसे ही मतलब इन शूज़ में पम्प्स में जा रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे फिर मेरी रूटीन सेट हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह मैं ले लूँगी। अभी देखें, सुबह माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही है और अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला ने एक नई सुबह एक नया दिन हमें दिया। और आप सबको भी वॉक करनी चाहिए, अगर आप घर में वॉक कर रहे हैं, मतलब घर में जगह नहीं है, आप बाहर जाके वॉक कर सकते हैं। और अगर बाहर नहीं जा सकते, इस तरह पाकिस्तान है, ज़ाहिर हालात ऐसे हैं, अगर आप नहीं निकल सकते तो अपने छत पे चले जाएं और रूफ़ पे जाके फुल स्पीड में वॉक करें। ये कि आहिस्ता आहिस्ता नहीं, इतना कि आपकी सांस फूले, आपको पसीना आए, ताकि आपकी कैलोरीज हैं अच्छी तरह से बर्न हो। उसके बाद यहाँ पर पार्क में आ गई थी। इस पार्क में सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे ये है कि यहाँ पर ना ये एक्सरसाइज मशीन्स लगी हुई हैं और मुझे यहाँ पर बहुत फ़ायदा होता है। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, इस वजह से रोशनी ज़्यादा हो गई है, वरना मैं जल्दी निकल आती हूँ और बहुत कम रोशनी होती है। बहरहाल वैसे यहाँ पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, दिन के किस टाइम पे आप क्या काम कर रहे हैं, पाकिस्तान थोड़ा ही है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा ऑड लगता है। तो मैं इस कोशिश करती हूँ कि सनराइज़ से पहले पहले मैं आऊँ और तकरीबन 10 मिनट्स मैं ईच जो है ना मशीन उसको देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं फिर 10 मिनट की वॉक करती हूँ। मेरे घर से जो यहाँ तक का फासला है वो 10 मिनट्स का है, तो कि मैंने आप समझ लें कि 20 मिनट की मेरी वॉक होती है और 10 मिनट्स मेरे इन मशीन्स पर जाते हैं। उसके बाद मैं घर आ गई, और घर आके मेरा फर्स्ट मील होने वाला है। तकरीबन 7 बज चुके हैं और यहाँ पे मैं लेने लगी हूँ जूस, और साथ में मैंने अपनी मेडिसिन लेनी है आयरन की, क्योंकि मुझे कुछ अर्से पहले अनीमिया डायग्नोज हुआ था, तो उसके लिए डॉक्टर ने मुझे जो है ना वो मेडिसिन लिख के दी हुई है आयरन की, जो मैंने खाली पेट लेनी होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपको बताऊँगी कि आयरन को आप हमेशा लेंगे विटामिन सी के साथ, क्योंकि आयरन जो है ना अगर आप इसको अकेला लेंगे तो ये आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होगी। जो विटामिन सी है ना, ये आपकी जो आयरन है इसको अब्सॉर्ब होने में हेल्प करता है। एक तो इसको खाली पेट लें, और दूसरा हमेशा विटामिन सी के साथ लें। आप कोई भी ले सकते हैं, ऑरेंज जूस ले सकते हैं, आप ऑरेंज खा सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें विटामिन सी हो उसके साथ अगर आप आयरन लेंगे तो उससे यह कि जो आयरन की एब्जॉर्प्शन है ना वो आपकी बॉडी में बहुत जल्दी से हो जाती है। लेकिन कभी भी आयरन को कैल्शियम के साथ मत लें। मैंने किसी जगह पे पढ़ा था कि कैल्शियम अगर आप आयरन के साथ लेते हैं तो कैल्शियम जो है वो आपकी बॉडी में जो ऑलरेडी आयरन मौजूद होती है उसको भी वो एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसकी वजह से इसका नुकसान है। लेकिन अगर आप आयरन को विटामिन सी के साथ लेंगे तो विटामिन सी हेल्प करेगा आयरन को फौरी तौर पे आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब करने के लिए। तो इस वजह से यहाँ पे मैं जब भी डॉक्टर के पास गई हूँ ना, तो मुझे डॉक्टर ने हमेशा ये बोला है कि आयरन को विटामिन सी के साथ आपने लेना है, और प्रेफरेंस ये होती है कि खाली पेट लेना। तो यहाँ पे मैं आराम से बैठ गई हूँ कि मेरा सांस फूला हुआ था, पसीना आया हुआ था। अभी यहाँ पे मैंने मेडिसिन ली है, ऑरेंज जूस ले रही हूँ। भाई मौसम बहुत अच्छा सा हुआ है, अभी सबके 7 बज रहे हैं, बाकी सब सोए हुए हैं, एक मैं जाग रही हूँ। तो अभी मैं भी जाके थोड़ी देर लेट जाऊँगी, रेस्ट करूँगी। ये मेरा फर्स्ट मील हो गया, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि इट्स माई फर्स्ट मील। अगर आप सुबह उठ रहे हैं नमाज के टाइम पे, तो यह है कि आप एक मील इस टाइम पे ले लें, जो आपको जिस तरह जूस हो गया, कुछ भी इस तरह की चीज़ हो गई जो आपने खाली पेट लेनी है वो आप ले सकते हैं। अगर आप मल्टीविटामिन्स भी ले रहे हैं तो आप वो भी खाली पेट ले लें, उसमें अंदर भी आयरन होता है, तो उसको भी आप इस तरह करके ले सकते हैं। खाली पेट लें, उसके बाद आप
एक अदर जूस ले लें। कुछ लोग जो है ना वो खाली पेट ब्लैक कॉफ़ी भी पीते हैं, वो सिर्फ इस वजह से होती है कि आपको भूख ना लगे ज़्यादा, क्योंकि वो जो है ना वो आपकी भूख को रोकती है, कंट्रोल करती है ब्लैक कॉफ़ी जो है ना विदाउट शुगर। अगर आपने लेनी भी है तो विदाउट शुगर लेनी है, लेकिन मैं इस टाइम नहीं लेती ब्लैक कॉफ़ी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, अजीब मतली सी होना शुरू हो जाती है, तो फिर इस टाइम मैं नहीं लेती हूँ। इस टाइम मैं सिर्फ जो है ना ऑरेंज जूस लेती हूँ। उसके बाद तकरीबन दोपहर के बज रहे हैं 12:30। असल में मेरी रूटीन जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, अब मैंने खुद चेंज किया है। मेरे हस्बैंड असल में उनकी जॉब स्टार्ट होती है 3:00 से लेकर 11:00 तक, और वो तकरीबन 11:00 घर पहुंचते हैं और उसके बाद उन्हें रात का खाना खाना होता है। तो इतने अरसे से मैं उनके साथ इसी रूटीन के साथ चल रही थी, तो इसकी वजह से मेरी जो हेल्थ है उसमें भी इशूज़ आ रहे थे और वैसे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स बन रहे थे। तो अब मैंने ये स्टार्ट किया कि मैंने अपनी रूटीन चेंज कर ली है, अब मैंने एक मील सुबह ले लिया, अब मैं दूसरा मील लेने वाली हूँ। मैंने अपने लिए एक अंडा बॉयल किया, वो बॉयल हो रहा है, घर वालों के लिए पराठे बन रहे हैं क्योंकि वो पराठे ही खाएंगे। मेरे लिए बहुत मुश्किल था पराठा छोड़ना, सच में मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मुझे पराठा छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज़ आई एम अ देसी गर्ल और मैं ज़िंदगी में हमेशा, असल में मैं रही भी सारी ज़िंदगी स्किनी हूँ। इनफैक्ट मेरे 2 बच्चे हुए माशाल्लाह, मैं 3 जो है ना किड्स उनकी मॉम हूँ। तो अभी मेरा जो 3rd बेबी है वो यहाँ पे आके हुआ है यूरोप में आके, तो यहाँ पे आने के बाद जो मेरा 3rd बेबी था ना, उसमें पहले 2 बच्चों की दफ़ा मैं वापस अपने शेप में चली गई थी, लेकिन 3rd बेबी की दफ़ा मेरा जो पेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और वैसे भी मेरी अपनी भी जो फिजीक है वो काफ़ी चेंज हो गई, क्योंकि अच्छा 1st बेबी की दफ़ा आपके जो पेट के मसल्स हैं वो इतने लूज़ नहीं होते, वो वापस अपनी शेप में किसी न किसी हद तक चले जाते हैं, 2nd की दफ़ा भी चले जाते हैं, लेकिन आपके 3rd बेबी मसल्स जो पेट के हैं वो इतने लूज़ हो चुके होते हैं कि उनको वापस जाना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे ना तो वो वापस नहीं जाएंगे, बल्कि वो और ज़्यादा लूज़ होते जाएंगे। तो मैंने बीच में काफ़ी इग्नोर किया क्योंकि बीच में मेरे साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए, भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स थे इसकी वजह से फिर मैं एक्सरसाइज वगैरह किसी काम में भी नहीं जा सकी। तो जब मैंने देखा कि मेरी बॉडी जो है ना वो बिल्कुल मतलब गलत शेप में जा रही है और पेट बढ़ रहा है, तो फिर मैंने उसके लिए अभी ये काम स्टार्ट किया है। अच्छा जी, मैंने अपने लिए अंडा बॉईल कर लिया था और साथ में मैंने कुछ बिस्किट्स वगैरह अपने लिए रखे थे। यहाँ पे मैंने बनाए हैं कबाब, यहाँ पे कबाब मैंने बनाए हैं। आप मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप चिकन, क्योंकि चिकन बहुत महंगा है पाकिस्तान में। ये दिन में आफ्टर एवरी 3 आवर्स आपने एक हल्का फुल्का मील लेना होता है। तो सुबह मैंने ऑरेंज जूस लिया, फिर उसके बाद लंच ब्रेकफास्ट में मैंने ले लिया है जनाब बिस्किट मैंने लिए थे और एक अंडा लिया था और चाय मैंने ली थी, मिक्स चाय थी, इसमें तकरीबन 2-3 घूंट दूध डाल के और उसके अंदर बाकी आपने कहवा डालना, स्ट्रॉन्ग किस्म की चाय बगैर चीनी के आपने पी लेनी है। उसके बाद मैंने ये बनाए हैं कबाब जो हैं दाल, चने की दाल, आलू और चिकन। चिकन आप चाहें तो बिल्कुल कम डाल सकते हैं क्योंकि चने की दाल में भी प्रोटीन होता है, इनफैक्ट आपको प्रोटीन चाहिए। तो अंडा आपने एक खा लिया, उसमें भी प्रोटीन था। उसके बाद शाम को जब आप भूख लगे तो आप इसको खाएं और इसको खाने के बाद आप जो है ना आराम से अपना पेट भर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कबाब फ्रीज़ किए और फ्रीज़ किए हुए थे, मतलब उनको दोबारा से मैंने रखा। मैं क्योंकि यहाँ पे हूँ और हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है डाइट करना, लेकिन जो पाकिस्तान में भी हैं डाइट करना को इतना मुश्किल नहीं है, बस ये है कि आपको आप खाएं लेकिन ये है कि हाथ होला रख के खाएं थोड़ा सा और पेट खाली रख के खाएं, इस तरह के हमारा सुन्नत तरीका है। बेशक सब कुछ खाएं लेकिन ये है कि छोटा छोटा जो है ना कहते हैं ना स्मॉल मील्स आप लेते रहा करें बीच में, ताकि आपको ज़्यादा भूख ना लगे। जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना तो फिर आप जब एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो असल में वो वजह होती है आपका वेट बढ़ने की। तो ये कि थोड़ा थोड़ा करके खाते रहें और इससे ये कि आपकी भूख जो है ना वो बीच बीच में से ख़त्म होती रहेगी। यहाँ पे बच्चे अपना रूम साफ़ कर रहे थे, उनको मैंने बोला कि अपना रूम साफ़ करें क्योंकि इनको बिज़ी रखना सबसे मुश्किल काम होता है और कोई समझ नहीं आती कि इंसान को किस तरह बिज़ी रखे। तो इनको मैंने बोला कि अपना रूम साफ़ कर लें, तो ये अपना रूम साफ़ कर रहे थे और साथ साथ मैं इनको बोल रही थी कि क्या क्या आपने करना है। और इनको बिज़ी करने के बाद मैं किचन में आ गई थी, शाम हो गई थी, ये मेरा 3rd मील होने वाला था। एक मील सुबह, एक मील दोपहर जब मेरे मियाँ साहब ऑफिस जाते हैं, और उसके बाद एक मील शाम के 5 या 6 बजे मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं ब्लैक कॉफ़ी बना रही हूँ, उसमें बिल्कुल 1/2 टीस्पून मैंने शुगर डाली है। कॉफ़ी मैंने मंगवानी है मेरे पास, जो ऑलरेडी पहले पड़ी हुई थी मैं अभी वही यूज़ कर रही हूँ। और इसको मैंने बना लिया है और बिल्कुल 2-3 घूंट दूध डाल के इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया गर्म दूध में, और उसके बाद मैं इसके अंदर गर्म पानी डाल के बिल्कुल ब्लैक कॉफ़ी की तरह ही पीऊँगी। अभी मैं क्योंकि न्यू स्टार्ट किया तो मेरा दिल नहीं चाहता इस तरह पीने को, आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं बिल्कुल ब्लैक कॉफ़ी की तरफ भी चली जाऊँगी। पानी मैंने बॉयल होने के लिए रखा हुआ है, साथ में मेरे पास ब्रेड है उस पर मैंने लगा ली है फ़िश, अतून फ़िश है वो मैंने ली है लिडल से, मैं लेके आई थी। तो अगर ये आपके पास है तो आप ये लगा लें, वरना आपके पास कबाब है आप कबाब लगा लें। अगर आपने सुबह ब्रेड ले लिया है तो फिर इस टाइम आप ब्रेड मत लें, इस टाइम आप ऐसा करें कि आप इसको
ऐसे ही वैसे खा लें, सैलड के तौर पे खा लें, इस टाइम आप सैलड बना लें। और अगर आपने सुबह ब्रेड नहीं ली तो फिर इस टाइम आप सैंडविच बना लें, ब्रेड के साथ कबाब ले लें या फिश ले लें, तो इस किस्म की चीज़ आप ले सकते हैं। और कबाब के बारे में फिर कहूँगी कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ दाल के कबाब भी बना सकते हैं। अगर आपके पास चिकन नहीं है, दाल और आलू के कबाब बना के रख लें, तो उनके अंदर भी आपको जो प्रोटीन है वो एज यूजुअल मिल जाता है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आई नो कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और लोगों के लिए चीज़ें अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है, तो आपने अपने बजट के अंदर रह के जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो आप उतने में भी बहुत ईजीली सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, इस वजह से टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं अपना जो है ना स्नैक ले रही थी। इससे ब्लैक कॉफ़ी से ये होता है कि आपकी जो भूख है ना वो बहुत कम हो जाती है, आप एक स्नैक लेते हैं और उस टाइम तक आपका पेट जो है ना वो फुल भर जाता है। और मैं खाली पेट इसको पहले भी बताया कि नहीं लेती क्योंकि मुझे मतली होना शुरू हो जाती है। उसके बाद शाम को मैं बना रही थी दाल, और दाल को मैंने तड़का लगाने के लिए रखी हुई है सब्ज़ मिर्च और लहसुन। मसूर की दाल मैं बना रही थी, और आप बॉयल चावल खा सकते हैं, पुलाव बिरयानी से परहेज़ करें और कोशिश करें कि आप वीकेंड में एक दिन आप रख लें एज ए चीट डे आप रख लें, और उस दिन आप चीटिंग कर सकते हैं, तो उस दिन आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन बाकी जो पूरे 6 डेज़ हैं ना उनको आपने ऐसे ही लेके चलना है, और हफ्ते में एक दिन आप कर लें। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं 6 डेज़ लेके चलती हूँ, और वीकेंड पर हमने क्योंकि घर से बाहर निकलना होता है, हस्बैंड को छुट्टी होती है, आउटिंग पर जाना होता है, तो तब हम क्योंकि बाहर से खाते पीते हैं, जंक फूड भी खाने हो जाता है कभी कभी, तो फिर यह है कि वो डे जो है ना वो मेरा चीट डे होता है, तो उसको मैं आराम से इंजॉय कर लेती हूँ। और बाकी जो दिन है उसमें मैं वॉक भी करती हूँ, वर्कआउट भी करती हूँ, अपनी डाइट का भी ख्याल रखती हूँ, और माशाल्लाह से मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। मुझे अपनी बॉडी जो है ना वो बहुत लाइट सी फील हो रही है। इसके अलावा मुझे जो थकावट हर टाइम वो एक रहती थी ना वो भी ख़त्म हो गई है। उसके बाद रात की चाय पता नहीं क्यों ये मुझसे छोड़ने नहीं होती, मुझे इतनी क्रेविंग होती है, बट यह है कि मैंने चीनी छोड़ दी हुई है। और ये क्योंकि मियाँ साहब आते हैं रात को बहुत लेट, अभी भी 12 बज रहे हैं रात के, उस टाइम हम चाय पीने लगे हैं, इसको भी छोड़ने की कोशिश करूँगी, ये एक अनहेल्दी चीज़ है जो मेरे अंदर मौजूद है। बाकी ये है कि खाने के बाद मेरे हस्बैंड को बच्चों को मीठा खाने की आदत है, बट मुझे मैंने छोड़ दिया है, मैं भी पहले खाती थी लेकिन नहीं। अगर आपको मीठा खाना है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, तो खाने से पहले खा लें, उससे यह है कि थोड़ा सा आप वो भी ज़्यादा नहीं है कि एक आध चम्मच आप चख लें ताकि आपकी क्रेविंग ख़त्म हो जाए, बट आफ्टर मील इसको मत खाएँ। तो बस जनाब ये मेरी सुबह छः से लेकर रात 12 बजे तक की रूटीन थी। आई होप आपको पसंद आई, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।